हेलो दोस्तों, आरवन एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 7 का अल्टरनेटिंग करेंट चैप्टर है और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में, सभी बोर्ड एग्जाम में, जो भी जितने भी स्टेट बोर्ड एग्जाम है क्लास 12th के, सब में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग इसको याद कीजिए और रिविजन कीजिए रिपीटेड टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस इन इंडिया। भारत में जो एसी मेंस का फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है। अमेरिका का होता है 60 हर्ट्ज, लेकिन इंडिया में 50 हर्ट्ज, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी प्रोड्यूस, देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ना किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। अगर यहाँ जनरेटर था तो जनरेटर का आंसर होता, लेकिन यहाँ डायनमो है तो डायनमोस होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है ना वो सिर्फ स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, ये नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये नहीं हो सकता। चोक कॉइल का भी वो काम नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग के जनरली यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए तीसरा नंबर में, द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मात्र एक ही डिवाइस है यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार, ये है डायनमो, ठीक है। डायनमो एज ए जनरेटर की तरह काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एग्जिबिट द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। याद रखिएगा, जिसमें सर्किट में रेजिस्टेंस हो वो सर्किट मैक्सिमम पावर डिसिपेशन करेगा, तो इसका होगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स। देखिए यहां पे क्या बोला है, व्हाट हैपेंस द इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज इंक्रीजेस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा। देखिए छठा नंबर, व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटीज फैक्टर ऑफ एन एलसीआर सर्किट इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो क्वालिटी फैक्टर एलसीआर सर्किट का डिक्रीज करेगा, है ना। व्हेन इज द करेंट इन द सर्किट वाटलेस, कब सर्किट वाटलेस होता है, जब इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। किसी भी सर्किट का अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो वो सर्किट वाटलेस हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एनर्जी डिसिपिटेटेड इन एलसीआर सर्किट, कभी भी कोई भी सर्किट में अगर एनर्जी डिसिपिटेट हो रहा है तो वहां पे सिर्फ उसका कारण, मेन कारण होगा रेजिस्टेंस, उसका मेन कारण होगा रेजिस्टेंस, तो आर ओनली, है ना, आर ओनली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एन एसी सर्किट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एन एसी सर्किट, तो इसको याद कर लीजिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एसी सर्किट में जो होता है उसका रेशियो बोल रहा है क्या होता है। एक मिनट थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर तो हालांकि उसका हो जाएगा सी, लेकिन आएगा कैसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक्सएल बाय एक्सी ना, एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल, और एक्सी होता है 1/ओमेगा c, तो ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 10 नंबर में, इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट, इन सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट, है ना, इसमें क्या होता है, सीरीज रेजोनेंट बोल दिया मतलब वहां पर रिएक्टेंस क्या है, जीरो से रिएक्टेंस जीरो हो जाता है रेजोनेंट में, ओके। अब देखिए यहां पे बोल रहा है क्या कि नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 200 वोल्ट है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी इज 10, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, और 240 वोल्ट सप्लाई कर रहा है प्राइमरी में, तो आउटपुट ऑफ द सेकेंडरी मतलब सिंपल सी बात है V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2 रिलेशन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए V1 दिया हुआ है 240, हमको V2 निकालना है, N1 दिया है 200 और N2 दिया है 10, ये हो गया कट गया यहाँ से, ये इससे कट गया यहाँ से। अब यहाँ पे V2 जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आएगा 24/2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 12, तो इसका हो जाएगा 12 आंसर, बी हो जाएगा 12, ठीक है, 12 इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, हमें क्लास में बताए हुए हैं, ठीक है। इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट्स, जहां पे प्योर इंडक्टिव सर्किट्स होता है वहां पे लैग करता है करेंट 90 डिग्री से, याद कीजिएगा, और जो कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें लीड करता है करेंट बाय 90 डिग्री से। एवरेज पावर डिसिपेशन इन द प्योर इंडक्टेंस, ये हम क्लास में बताए हुए हैं कि एवरेज पावर डिसिपेशन जो प्योर इंडक्टेंस चाहे कैपेसिटेंस में होता है वो जीरो होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही केस में जीरो होता है। जहां रेजिस्टेंस आएगा ना
वहां पे तुम्हारा पिक्चर में आएगा। और यहाँ पे हाफ एल आई स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर लिखा हुआ है, इसे कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक ना, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे पावर डिसिपेशन जो होता है इंडक्टेंस और कैपेसिटर में वो क्या होता है, जीरो होता है, ये मैं क्लास में बता चुका हूँ। कैपेसिटर एक्ट्स एज ए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, किस केस में वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगता है, तो ये करता है डीसी के केस में, क्योंकि वो डीसी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है ना, जाने नहीं देता है। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ द लेमिनेटेड, बिकॉज कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को लेमिनेट किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि लॉस जो होता है एनर्जी का ना उसको रिड्यूस किया जाए, जो ट्रांसफार्मर में लॉस होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट इट्स रूट मीन स्क्वायर, हम क्या बोले थे, आई आर एम एस अगर निकालना है तो पीक बाय रूट कर देंगे, वन बाय रूट कर देंगे, है ना, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अगर पीक को अगर रूट टू से डिवाइड कर देंगे तो इसका आरएमएस वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल आर रिस्पेक्टिवली N1 और N2। तो यहाँ पे बताना है कि स्टेप अप है, स्टेप अप का मतलब क्या होता है, इसका स्टेप अप का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे V2 जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, V1 होगा, अगर V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, N2 भी ग्रेटर देन मार क्या होगा, N1 होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द डीसी सर्किट, देखो डीसी सर्किट में रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो इन्फिनिटीज होता है, ठीक है, वो होता है इन्फिनिटीज। ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर ग्रेटर देन 1, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ग्रेटर देन 1 होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना, यानी कि N1 बाई जो N2 होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, यही होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो गया। तो देखिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग MCQ का डिस्कशन किए हैं, और इसमें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन मोर, और चैनल को लाइक कर देना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ओके ओके, थैंक यू।